पीथमपुर के सागौर पुलिस ने गुमशुदगी की तफ्तीश में हत्या की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। हम आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता के दौरान CSP तरुणेंद्र सिंह बघेल ने मामले का खुलासा किया। दरअसल सागौर थाने में एक महिला ज्योति ने अपने पति मृत्युंजय उर्फ सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट 1 नवंबर को दर्ज कराई थी, जिसकी जांच पड़ताल में शक के आधार पर जब पुलिस ने गुमशुदा के करीबी दोस्त और उसकी पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो हत्या के मामले में खुलासा हो गया। आरोपी दुग्गड़ उर्फ मुन्ना और उसकी पत्नी संगीता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मृतक मृत्युंजय उर्फ सोनू लगातार मुन्ना की गैर हाजिरी में घर आकर संगीता के साथ अश्लील हरकतें करता था। जब यह बात संगीता ने अपने पति मुन्ना से बताई तो मुन्ना ने सोनू को समझाया, लेकिन नहीं मानने पर दोनों पति पत्नी ने मिलकर सोनू यानी मृत्युंजय को दर्शन करने के हवाले से बुलाया और प्रायोजित तरीके से उसे शिव बाबा के दर्शन के पश्चात हरदा के जंगल में लेकर गए। वहां आरोपी और उसकी पत्नी ने सोनू को शराब पिलाई और नशे की हालत में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।